राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस बार नागपुर के विभागीय कार्यालय परिसर में शहर के पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों ध्वजारोहण किया गया। सादगी के साथ मनाए गए इस महाराष्ट्र दिवस पर गिने चुने प्रशासकीय अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र में 1 मई को 61वां राज्य स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों महाराष्ट्र दिवस समारोह किया गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य में संचार बंदी लागू है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल, हाईकोर्ट और अन्य संवैधानिक कार्यालयों में कम से कम उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में सुबह 8 बजे पालक मंत्री पहुंचे। पुलिस बैंड ने महाराष्ट्र दिन की धुन बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पालक मंत्री नितिन राउत, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और कुछ गिने चुने प्रशासकीय अधिकारियों की मौजूदगी में नितिन राउत ने ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र दिन को कामगार दिन के रूप में भी मनाया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेपी कॉमरेड इनकी अथक प्रयासों से ही राज्य के सरकारी निम सरकारी कार्यालयों में कामगारों को मात्र दिन में 8 घंटे तक ही अपनी सेवा देने का कानून बनाया गया है। आज भी इस कानून का अमल करते हुए सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारी अपनी 8 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र दिवस, जिसे कामगार दिवस के रूप में पूरे राज्य में मनाया जाता है, इस मौके पर पालक मंत्री नितिन राउत इन्होंने मीडिया को जानकारी दी। आज 1 मई महाराष्ट्र दिवस दिवशीच आपला महाराष्ट्र राज्याचं निर्माण झालेला होता, परंतु आजचा हा महाराष्ट्र दिवस अशा पीरियड मध्ये आलेला आहे की ज्यावेळेला आपण कोरोना नावाच्या संकटाशी झुंजत आहोत त्या ठिकाणी, आणि संपूर्ण राज्यामध्ये या पिरियडमध्ये लॉकडाऊन झालेलं लागलेलं आहे। जरी आज महाराष्ट्र दिवस साजरा करण्यासारखा दिवस असला, तरी तो जर साजरा करायचा असेल तर करोनावर मात करूनच आपण साजरा करू शकतो। त्यामुळं संपूर्ण नागरिकांना माझी या ठिकाणी नम्रपणे विनंती आहे की त्यांनी बेफजूल घराच्या बाहेर पडू नये, पडताना नाकातोंडावर मास्क लावावं, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करावं आणि हँडवॉश करावा। हा संदेश जर आपण सर्वांनी याचं काटेकोरपणे जर पालन केलं तर निश्चितपणे आपण या संकटावर मात करू शकू। आजपासून संपूर्ण देशामध्ये 18 वर्षावरील मुलांना आणि नागरिकांना लसीकरणाचा सुद्धा कार्यक्रम सुरू होतो आहे, परंतु हा कार्यक्रम संपूर्णपणे शांततेनं आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं जर आपण याला साथ दिली तर निश्चितपणे करोना वर मात करण्यासाठी वॅक्सिनेशनच एक मोठं औषध आहे। त्यामुळं आपण त्या वॅक्सिनेशन घेऊन या संकटावर मात करू शकू हा मला ठाम विश्वास आहे। आपण सर्वांनी सहकार्य करावं ही विनंती आहे। कोरोना प्रकोप की रोकथाम करना हो तो सत्ता पक्षों या विपक्ष के नेता इन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ न उछालते हुए सब मिलकर काम करना होगा। यही सही मायने में महाराष्ट्र दिवस मनाए जैसा होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे, BC News नागपुर।